हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय गुरु जी। सुबह के बज गए 8 और अब मैं जा रहा हूँ बेकरी, ऑफिस में जाऊँगा और काम है थोड़ा। आज पार्क गया नहीं, लाइट ख़राब हो गई थी एक्चुअली घर की, तो वो ठीक करवानी है, थोड़ी बहुत करी है। बाकी शोर्य के मामा आएंगे, वो कर देंगे। नाश्ता पानी हो चुका है, पूजा पाठ हो चुका है, अब निकलते हैं ऑफिस के लिए। हे गाइस, आए हैं घर 2 बजे और प्रीति लगी हुई है खाना बनाने में, खाना बना रही है, खाना खाते हैं फिर। आपको कल का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। प्रीति ने करी थी कोशिश कमेंट व्लॉग बनाने की, प्रीति बोली आज का व्लॉग मैं बनाऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है अभी तू बना ले। तो प्रीति ने करी थी कोशिश ना, खाना खाएंगे अब फटाफट। और शौर्य अभी आया नहीं, शौर्य आ जाए स्कूल से। आज शौर्य कह रहा था मेरे को जाना है कहीं, मैंने कहा चलो शौर्य को लेके चले जाएंगे फटाफट वहां पे। बैठ गया, पैर छू रहा मम्मी आते ही। तो ये स्टाइल है इसका स्कूल से आने का, आज का। कल का हाल अलग था, आज का हाल अलग है मेरे बेटे का। ये हालत है इसकी, आते ही नाटक शुरू हो गए इसके। अब बताओ ये तरीका है इसका आने का। जय हो, थक गया क्या? तो गाइस नाटक देख लो आप, शौर्य के जाएगा नहीं, जाऊं पापा, ये देख लो ऐसे ही आया था और ऐसे ही जा रहा है। अब इसका क्या कर ले हम, इसका स्टाइल है ये, देखो बैग टांग के। अब बताओ अब मैं क्या कर सकता हूँ इसका, अगर ये ऐसी हालत। जाओ बेटा ट्यूशन जा रहे हो, बाय। 4:15 बज चुकी है, बाय 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 बाय। तो गाइज अपना ही ब्लॉग देख रहे हैं, कल वाला, आज वाला, प्रीति और मैं। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना, आपने बताया नहीं। हे गाइज, ऑफिस से आया था घर और आते ही प्रीति ने बोल दिया कि सामान लेके आना है घर का, और शौर्य आप देख ही रहे हैं, उतावला हो रहा है। मैं ना 30 रुपए की चीज लूंगा, मैं ना कल पास्ता लेके जाऊंगा, कल सैटरडे आया था। सैटरडे को शोरे लेके जाते पास्ता और सबको, मेरी मम्मी का और सबको पास्ता अच्छा लगता है, मेरी मम्मी का। अच्छा, सबको लगता है अपने फ्रेंड्स का एक। तो गाइस अब फिर निकल लिए हैं हम, प्रीति ने लेना था घर का सामान, तो मैंने कहा चलो चल पड़ता हूँ मैं भी साथ। तो हम अब निकले हैं, शौर्य को साथ ले रखे, देखो चटर पटर में लगा हुआ है अब ये। इसकी बातें सुनो तो सुनते ही रह जाए आदमी। तो पहले दवा प्रीति को लेके देते हैं सामान, प्रीति भी साथ में है, प्रीति भी है साथ में, और साथ में निकले हैं गाड़ी में, सामान ले लेते हैं। और फिर प्रीति को है कुछ काम मेरे से, प्रीति बोली मुझे कहीं लेके जाएगी, मैंने कहा चलो लेके चलेगी तो ले जाऊंगा, चला जाऊंगा। हाँ गाइज, आज शौर्य ने खोला है मेरे लिए गेट, आप देख ही रहे हैं। शौर्य चीज के लिए और है दीवाना, और देख लो इसके डांस देख लो आप कैसे लगा हुआ। प्रीति जा रही है सामान लेने, हम भी जाएंगे अंदर, चलें अब। सूजी का है ये, अरे भुजिया का पैकेट उठा के खड़े है। ये वाली मांगता बस मैदे का यार। नहीं मैदे वाला नहीं, कभी मैं लेती हूँ इसमें, यही लेना तो यही ले लो, उससे कुछ नहीं होता। शौर्य तू क्या कर रहा है, ये लेना कुछ। नहीं पापा ही पकड़ लो। मैं क्या पकड़ लू, वहां रखा। गाइस देख लो इसका हाल, छोड़ भी नहीं रहा, मैं खा रहा हूँ ठंड में दोबारा आइसक्रीम बस। चक मार ले देख लो, ये है सर्दी भगाने का तरीका। तो गाइस यहाँ भी इसकी होगी जिद शुरू, देख लो आप कैसे दीवाना हो रहा है, ये ले लू वो ले लू, सब चीज पे लगा हुआ। अब देख लो इसकी जिद, क्या बोल बोल बोल। तो गाइस बन रहा है बिल, सामान लेंगे, और ये देखो इसका हाल बीच बीच में पीछे लगा हुआ है, सामान लेंगे और निकलेंगे यहाँ से। बिल बन रहा है अपना, खा ले खा ले खा ले, अब तो ले ही ली, चले हो गया।
तो बिल हो गया फाइनल, अब निकल रहे हैं यहाँ से। क्या नाटक कर रहे है, क्या नाटक चला रहे तू? ना भी मुझाया शीशी तिन्ने जा बनाई फिजा एसएचओ एसएसपी डीसी नी बंबिया बोले गाइस। ये है हिसार का मेन चौक पारिजात चौक और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है और देखिए आप लाइटिंग वाइटिंग बहुत बढ़िया तरीके से लगाई गई है। तो गाइस आज फिर आए हैं सूप पीने। प्रीति बोल रही कि भाई सर्दी जाने वाली हो रही है, फटाफट एक दो बार और पिला दो सूप, फिर वो रेडी सूप लगाना बंद कर देगा भैया। मैंने कहा चलो इसी बहाने सूप ही पिला देते हैं, आउटिंग भी हो जाएगी, घर का तो फिर भी पी सकते हैं, आउटिंग हो जाएगी इसी बहाने। मैंने कहा चलो घूम भी आएंगे। और ये लगा हुआ है फोन में, सूप पीता नहीं बिल्कुल भी, इसको तो अपनी चीज से मतलब है बस, इसको और कुछ नहीं, घर की खाएगा रोटी या चूरी, रोटी की चूरी खाता है, ज्यादा सब्जी खा के राजी नहीं है। और हम तो गाइस सूप पी के निकल लिए हैं, प्रीति की नई फरमाइश तैयार है, जा रहे हैं वहां। क्या? अब ये तो मैं बता नहीं सकता, सूप पी के निकल लिए हैं बट हम घर के लिए घर जा रहे हैं। रास्ते में अगर वो फरमाइश होगी पूरी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चले जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे। शौर्य अपना खुश है, अपनी चीज लेके बैठा है पूरी 30 रुपीज की, तो अपना मस्त है एकदम, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसका काम हो गया, वो बैठे आराम से, आप देख ही सकते हैं। कहाँ गया बाबे? ये आया बाबा सामने से निकल के। गाइस सेक्टर के अंदर आ गए हैं और पहुंचते हैं घर। तबीयत ढीली हो रही है प्रीति की और कह रही है फटाफट घर ले चलो, तबीयत ढीली हो रही है एकदम से। जाते हैं इसको देते हैं दवाई और फिर ये करेगी आराम और साथ में अप्पा करेंगे एडिटिंग और फिर अप्पा भी सोएंगे। हे गाइस टाइम हो गया है 10 बजे बैठे हैं और क्या खा रहे हैं? भेलपूरी, ठीक है, यही है हमारा। तो रात को लगी भूख तो खाएंगे भेलपूरी। गाइस खाना खाया नहीं, सूप पी के आए थे, उसके बाद थोड़ी भूख लगी तो शौर्य बोला कि पापा भेलपूरी खा लेते हैं। मैंने कहा चलो भेलपूरी खा लेते हैं, क्या हुआ। इसीलिए गाइस भेलपूरी तैयार है, खाते हैं फटाफट भेलपूरी और फिर करेंगे अपनी एडिटिंग। हे गाइस एडिटिंग हो गई कंप्लीट, सुबह आएगा अपना व्लॉग अपने टाइम पर अपने चैनल पर रॉबिन हिसारिया व्लॉग, देखना ना भूलें। और हाँ शौर्य अभी तक जाग रहा है, सोया नहीं है, जबकि इसने सुबह स्कूल भी जाना है। ओके गाइस, गाइस एक बात और कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें गाइस, ताकि मैं कुछ नया कर सकूं। जय हिंद गाइस, गुड बाय।